कभी कभार कुछ मूवियों में हमें खतरनायक से ज्यादा खलनायक यानी हीरो से ज्यादा विलन पसंद आ जाता है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हाल है। सिंगापुर के इस मोस्ट वांटेड के अंतिम संस्कार में शामिल होने 33 कैदी जेल से फरार हुए थे। ये है हॉलीवुड के मूवी से ज्यादा रंगीन और खौफनाक गैंगस्टर सिंगापुर का लिम बान लिम केस। वो कहते हैं ना, छोटा बम बड़ा धमाका, बिल्कुल ऐसा ही था लिम बान लिम। 5 फुट 4 इंच कद वाला सिंगापुर का डॉन बन गया था। 1940 में सिंगापुर के पाया लेबर का लोरांग थाईसेंग में एक मछुआरों के परिवार में लिम का जन्म हुआ। पढ़ाई में लिम का मन कुछ कम ही लगता था। यहाँ वहाँ काम करके वो बड़ा हुआ। 16 साल की उम्र में अपने बचपन के दोस्त से वो शादी भी कर लेता है। 18 साल का लिम गी हो सीक्रेट सोसाइटी में शामिल होता है। उसे रॉ आइलैंड में गन शूटिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। सिंगापुर पहली बार लिम बान का नाम सुना जब उसने 1963 में 3 अन्य बंदूकधारियों के साथ एंसन रोड के द स्ट्रेट टाइम्स के प्रिंटिंग डिवीजन पर घात लगाकर हमला किया और 30,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी 16 लाख रुपए लूट लिए। उसी साल सिंगापुर स्टीम लॉन्ड्री से 11,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी 6 लाख रुपए का चोरी कर लिया। लिम ने 1966 में सिंगापुर के सबसे चर्चित बैंक रॉबरी को अंजाम दिया जब ऑयलर क्वे के नेशनल सिटी बैंक से 155,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी 86,56,000 रुपए लूट लिए। 1968 को अपने 5 साथियों के साथ लिम ने मलेशिया जॉर्क में राज्य खजाने को लूटा। इस बार 452,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी 2.5 करोड़ रुपए। याद रखे, ये हुआ था 1968 में, वो भी 2.5 करोड़ रुपयों की चोरी। इस लूट के दौरान लिम ने एक कांस्टेबल को भी मार डालता है। 4 नवंबर 1972 को लिम ने लोअर डेल्टा रोड में स्थित अल्टस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में डकैती डालता और 62,000 सिंगापुर डॉलर्स यानी 34 लाख रुपए लूट लिए। लिम सिंगापुर और मलेशिया दोनों देशों में अपना राज चला रहा था। करीब 9 साल के अपने शासनकाल में कम से कम 2.5 मिलियन डॉलर यानी 13 करोड़ 87 लाख रुपयों का लूट कर लिया था। मई 1965 में पाया लेबर में डिटेक्टिव पीटर लिम के साथ हुई विवाद के बाद लिम सिंगापुर का मोस्ट वांटेड बन गया था। ऑफिसर ने लिम पर आरोप लगाया कि लिम ने उनका रिवॉल्वर छीनकर उन पर गोली चलाई और उन्हें घायल कर दिया। कुछ समय बाद लिम ने रिवॉल्वर को एक अखबार के संपादक को मेल किया और उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी। लिम ने चिट्ठी में लिखा था कि आत्मरक्षा के लिए मैंने ऑफिसर का रिवॉल्वर छीना और भाग गया। मैं उन पर गोली चला सकता था जब वो नीचे थे, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा। सितंबर 1966 में लिम ने नॉर्थ ब्रिज रोड पर ओडेन सिनेमा के पास डिटेक्टिव एलन ली के पैर पर गोली मारकर उन्हें घायल कर देता है। इसके बाद लिम के सिर पर $2,000 के इनाम का ऐलान हुआ। 23 जून 1968 को कॉर्पोरल को चोंग थे दो अन्य पुलिस अफसर्स के साथ लिम को सेरांगोन में देखे जाने के बाद उसका पीछा करते हैं तो लिम ने कॉर्पोरल को सेमी ऑटोमेटिक को पिस्तौल से गोली मारकर उनका हत्या कर देता है। लिम वहां से भाग जाता है और थाईलैंड, इंडोनेशिया और चाइना में सुरक्षित जगहों की तलाश में भटकने लगता है। सिंगापुर पुलिस दल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी तलाशी अभियान का घोषणा की गई। शुरुआत में लिम के सिर पर $5,000 यानी 2,76,000 रुपए इनाम का घोषणा हुआ। मार्च 1969 में इसे बढ़ाकर $10,000 यानी 5.5 लाख रुपए कर दिए गए और 1972 तक $17,000 यानी 9 लाख रुपए कर दिए गए। इन सब के बीच लिम ने पुलिस को फोन करके कहा कि तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, जब भी गिरफ्तार करने आओगे तो तुम लोगों को गोलीबारी का सामना करना पड़ेगा, मेरी आखिरी गोली मैं अपने ऊपर चलाऊंगा ताकि तुम्हें मेरी लाश मिले, मैं नहीं। नवंबर 1972 में लिम अपने राइट हैंड मैन चो ऑन के साथ सिंगापुर लौट आता है। उस समय लिम सिंगापुर के सबसे बड़ा इनामी भगोड़ा था। 24 नवंबर को लिम और चुआ ने क्वींसटाउन के मार्गरेट ड्राइव के पसर मलम में जाते हैं। पुलिस को इसका सूचना पहले से थी और 8:15 पर 6 पुलिस वालों की एक टीम को लिम और चुआ दिखते हैं। गोलीबारी शुरू होती है और लिम को 3 गोलियां लगती है और चुआ वहां से भाग जाता है। जैसे लिम ने कहा था, वो बिल्कुल लाश बन के ही पुलिस को मिला। 25 नवंबर 1972 को यानी लिम के मौत के दूसरे दिन उलू बेडोक रिफॉर्मेटिव सेंटर में से 33 कैदी जेल से फरार होते हैं। वजह, वो लिम बान लिम का अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते थे। हर काम या धंधे का एक रोल मॉडल होता है, नहीं चाहे वो अच्छा काम हो या बुरा। फिर मिलते हैं एक नई केस के साथ। अलविदा।